मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक घर और दो कमरे, नौ लाश। हैरान कर देने वाला यह मामला सामने आया है महाराष्ट्र के सांगली से, जहां एक ही परिवार के नौ लोगों ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 25 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि मानिक वनमोरे और उनके भाई पोपट वनमोरे कारोबार करने के लिए एक साहूकार से मोटी रकम लिए थे और उन पर पैसे वापस लौटाने का काफ़ी दबाव था। पैसे ना लौटा पाने की वजह से साहूकार ने इन्हें अपमानित भी किया था। शायद इसी वजह से इस परिवार ने सुसाइड कर लिया है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें इन साहूकारों के नाम लिखे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया और 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं महसाल गांव के लोगों ने आत्महत्या के मामले में अलग ही तर्क दे रहे हैं। इनका कहना है कि वनमोरे परिवार चावल खींचने वाली मशीन यानी कि राइस कूलर की सौदे की बात करता था और ऐसा सुनने में भी आया था दोनों भाइयों से कि विदेश की कंपनी से इन्हें 3,000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, जिसके चक्कर में इन्होंने साहूकार से पैसे लिए थे। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ एक चर्चा का विषय है, लेकिन एक ही परिवार के 9 लोगों के आत्महत्या करने से गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। एक ही घर और दो कमरे और 9 लाशें, 5 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनके नाम है अक्काताई वनमोरे 72 साल है और पोपट वनमोरे 52 साल, संगीता वनमोरे 48 साल, माणिक्य वनमोरे 49 साल, रेखा वनमोरे 45 साल, अर्चना वनमोरे 30 साल, शुभम वनमोरे 28 साल, आदित्य वनमोरे 15 साल, अनीता वनमोरे 28 साल। 9 लोगों की मौत हुई है, ऐसा अभी तक निष्पन्न हुआ है। इसमें एक घर में 6 लोग और दूसरे घर में 3 लोग, ऐसे 9 लोगों की मौत हुई है। इसमें 5 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। प्राइमा फेसी कोई रेजिस्टेंस मार्क या कोई फोर्स्ड एंट्री या कुछ लूट मार इस तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला है। प्राइमा फेसी एक सुसाइड है ऐसा लग रहा है, इसको हम हमारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ में कोलैबोरेट करेंगे। एक जो मृतदेह है उनके पॉकेट में एक सुसाइड नोट मिली है, उस सुसाइड नोट के जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू है और इस घटना के पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो रीज़न आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस कर रही है। आर्थिक इसके लिए जो भी कारण अभी देखते हैं, उसमें बहुत से रीज़न्स हैं, हम हर रीज़न पर काम कर रहे हैं।